आपने अपनी फाइवर की प्रोफाइल ओपन करनी है। फाइवर की प्रोफाइल ओपन करके आपने सेलिंग में जाना है और यहाँ से गिग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये पेज शो हो जाएगा गिग का। आपकी प्रोफाइल न्यू होगी तो यहाँ पे आपके पास कोई गिग शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मेरी प्रोफाइल नई है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ, इस वजह से ये मैंने गिग्स क्रिएट किए हुए हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर। उसके बाद आपके पास ये पेज शो हो जाएगा। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, गिग टाइटल, कैटेगरी एंड सर्च टैग्स। गिग टाइटल जो होता है, ये जो मेन आपका टाइटल होता है, ये आपका गिग टाइटल कहलाता है। जो भी चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे वो आपके गिग के ऊपर यहाँ पे शो होगी। तो अब फॉर एग्जांपल मैं वर्डप्रेस का काम करता हूँ और मैं वेबसाइट बनाता हूँ, तो मेरा जो गिग होगा वो मेरा वर्डप्रेस वेबसाइट से रिलेटेड होगा। अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं तो आपका लोगो से रिलेटेड होगा। आपने अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट अपना गिग बनाना है। जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसी सर्विसेज के मुताबिक आपने अपना गिग क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं वर्डप्रेस का काम करता हूँ, वेबसाइट बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई विल क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ये मेरा टाइटल हो जाएगा। उसके नीचे जब भी आप ऊपर अपना टाइटल देंगे, ये कैटेगरीज ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा आपके ऊपर टाइटल में से कीवर्ड्स लेके। अब मेरा वर्डप्रेस है तो मैं यहाँ से वर्डप्रेस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सर्विस टाइप आएगी, इसके अंदर मेरे पास ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग का गिग बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे और आपने उनमें से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मेरे पास फुल वेबसाइट क्रिएशन है, क्योंकि फुल वेबसाइट मैं बना के दूंगा। और यहाँ पे नीचे आपके पास मुझे ये ऑप्शन शो हो रहे हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे। ये मेरे वर्डप्रेस वेबसाइट से रिलेटेड हैं, इस वजह से जो है ना आपने अपने ऑप्शन देखने हैं कि आप उसमें से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आपने उसमें उसको चेक कर देना है। अब ये सारे मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस से रिलेटेड हैं, तो इस वजह से मैं इनको चेक कर रहा हूँ। उसके नीचे आपने डालना है सर्च टैग्स। सर्च टैग्स वो होते हैं, वो क्यूरीज होती हैं जिनसे क्लाइंट आपके गिग को सर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्लाइंट हूँ और मैंने एक लोगो बनवाना है, तो मैं ऊपर सर्च में लिखूंगा लोगो डिज़ाइन, या अगर मैंने वेबसाइट बनानी है तो मैं वहाँ पे लिखूंगा बिल्ड वेबसाइट या क्रिएट वेबसाइट। इसी तरह आपने यहाँ पे अपने गिग के हिसाब से टैग्स डालने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वर्डप्रेस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस लिखूंगा, वर्डप्रेस वेबसाइट लिखूंगा, क्रिएट वेबसाइट लिखूंगा और बिजनेस वेबसाइट और बिल्ड वेबसाइट। टैग्स के अंदर आपके पास पांच टैग डालने की गुंजाइश होती है। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप इसके अंदर पांच टैग डालें, क्योंकि ये आपकी गिग की रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास प्राइसिंग और पैकेजेस का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास सिंगल पैकेज है तो आप इसको सिंगल ही रहने दें, वरना यहाँ से इसके ऊपर इसको थ्री पैकेजेस को ऑन कर दें। जब आप थ्री पैकेजेस ऑन कर देंगे वो आपके पास बेसिकली इस तरह शो होगा, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। वो डिपेंड करता है आपकी सर्विसेज के ऊपर कि अगर आपका तीन पैकेजेस बनते हैं तो आप तीन पैकेजेस बनाएं, अगर नहीं बनते तो आप सिंगल पैकेज रहने दें उसको। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे बेसिक, यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड, यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम। अच्छा, अब आपने इन तीनों पैकेजेस के अंदर डिफरेंस क्रिएट करना है कि ये तीनों पैकेजेस आपस में एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्डप्रेस का काम कर रहा हूँ तो मैं मेरा गिग उसी से रिलेटेड होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव वन पेज वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे इसका मैं डिलीवरी टाइम डाल देता हूँ 3 days, कि मैं एक पेज वेबसाइट बनाऊंगा और उसको 3 दिन में डिलीवर करूंगा। और नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे इसके अंदर, एक। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, यस। कंटेंट अपलोड, जी करूंगा। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, हाँ जी। मेरे पास ये ऑप्शन शो हो रहे हैं, आपके पास अपने लोगों से रिलेटेड होंगे अगर आप लोगों का केक बना रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है आपने उसको चूज़ करना है। अब प्लगइन्स यहाँ पे जो है ना मैं कोई भी नहीं दूंगा, ई कॉमर्स फंक्शनलिटी नहीं होगी, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स भी नहीं होंगे। रिवीजन में इसके अंदर 5 दूंगा और प्राइस मेरी होगी इसकी
ऑलमोस्ट $40। इसी तरह हमने स्टैंडर्ड पैकेज बनाना है, आई विल क्रिएट 5 पेजेस ऑफ पैकेज। इसका मैं डिलीवरी टाइम, इसका भी मैं अगर 3 डेज रख देता हूँ। नंबर ऑफ पेजेस इसके अंदर 5 हैं, और डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, कंटेंट अपलोड, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, प्लगइन्स इसके अंदर भी जो है नहीं होंगे, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी इसके अंदर भी नहीं होगी, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इसके अंदर नहीं होंगे, रिविजन इसके अंदर मैं 5 कर देता हूँ, और इसकी मैं प्राइस कर देता हूँ $70। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप स्टार्टिंग के अंदर मिनिमम प्राइस से काम शुरू करें, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको काम जल्दी मिल जाएगा, और एक दफ़ा आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाए और आपकी रैंकिंग इंक्रीज़ हो जाए तो आप अपने प्राइस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें। इसी तरह आई विल क्रिएट 10 पेजेस वेबसाइट विद ई कॉमर्स। इसका डिलीवरी टाइम मैं इसमें 7 डेज रखूँगा, नंबर ऑफ पेजेस इसके अंदर 10 है, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन भी है इसके अंदर, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी है, और कंटेंट अपलोड भी है, प्लगइन्स इसके अंदर मैं 5 इंस्टॉल्स करके दूंगा, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने मैं अपलोड करके दूंगा इसके अंदर 10 अपलोड करके दूंगा, रिविजन इसके अंदर 10 हैं, नो करना, प्राइस इसकी मैं है प्राइस इसकी मैं चार्ज करूँगा $150। और यहाँ पे नीचे ये गिग एक्स्ट्रा हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट को जल्दी काम चाहिए तो आप उसे कितने कितना एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऊपर 3 डेज लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे उसको अगर 2 दिनों में करके देंगे तो आप उससे एक्स्ट्रा कितना चार्ज करेंगे। इसी तरह आपने इसका भी लिख लेना है, इसको 7 डेज है, इसका 5 डेज है, और इसका कितना चार्ज करेंगे। एडिशनल पेज अगर वो फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट में एक एडिशनल और पेज डलवाना चाहता है तो मैं उसके कितने चार्ज करूँगा, ये वो ऑप्शन है। एडिशनल प्लगइन जो है अगर उसको कोई और प्लगइन चाहिए तो उसके मैं कितने चार्ज करूँगा। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी अगर फॉर एग्जांपल इस पैकेज के अंदर मैंने ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी नहीं दी हुई, अगर वो 1 पेज वेबसाइट बना रहा है और उसको ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी भी चाहिए तो मैं उससे कितने चार्ज करूँगा। एडिशनल रिवीजन कितने की होगी, एडिशनल रिवीजन बेसिकली वो है जब आप काम करके क्लाइंट को सेंड कर देते हैं तो वो उसमें अगर कोई चेंजिंग चाहता है तो वो आपसे रिवीजन मांगता है। अगर आपने ऊपर जैसे कि मैंने 5 रिवीजन दी हुई हैं तो 5 रिवीजन में वो आपको कोई पैसे नहीं देगा, अगर वो 5 रिवीजन के बाद दोबारा कोई रिवीजन करता है तो उसको चार्ज करने पड़ेंगे वो आप जितने यहाँ पे डालेंगे। अब मैंने यहाँ पे $10 डाले हैं, और यानी कि अगर वो एक्स्ट्रा रिवीजन मेरे से लेता है तो वो मुझे $10 देगा। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होती है गिग में, अबाउट दिस के नीचे जो सारा है ये आपकी डिस्क्रिप्शन कहलाती है। तो यहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इसमें यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखें अपने अल्फाज के अंदर। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी रिलेटिव से कह सकते हैं कि भाई मुझे डिस्क्रिप्शन बना दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आपने इस तरह इसके अंदर गिग डिस्क्रिप्शन डाल ली है अपने गिग से रिलेटेड, और नीचे यहाँ पे है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। ये बेसिकली वो क्वेश्चन हैं जो आपका गिग पढ़ के जो क्लाइंट के जहन में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा वर्डप्रेस का गिग है तो अब मेरा जो गिग कोई क्लाइंट पढ़ेगा तो उसके जहन में क्या सवाल आ सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल वो ये उसके जहन में ये सवाल आता है कि भाई मुझे रिविजन मिलेगी, तो मैं उसके नीचे आंसर दे दूंगा यस। जो जो आपने क्वेश्चन यहाँ पे लिखने हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना, ऐड पे क्लिक के बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आ जाती हैं रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट बेसिकली वो चीज़ होती हैं जो आपको काम स्टार्ट करने के लिए चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि मुझे कलर स्कीम चाहिए, कि किन कलर्स का लोगो होना चाहिए, और एक रफ़ आइडिया आप दे दें आप किस तरह का लोगो चाह रहे हैं। अब मेरा वर्डप्रेस से रिलेटेड गिग है तो मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए उसके एडमिन का पासवर्ड और उसका यूज़र नेम चाहिए होगा। अब मैं यहाँ पे उसमें लिख सकता हूँ एडमिन पासवर्ड एंड यूज़र नेम, यहाँ से आप इसको ऐड कर दें। इसी तरह जो जो चीज़ें आपको चाहिए, जो आपके जहन में है कि भाई मुझे ये काम स्टार्ट करने के लिए चाहिए,
तो आप वहाँ पे इसको लिख सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास ये गैलरी आ जाएगी। गैलरी के अंदर आपकी आपने इमेजेस डालनी है। यहाँ पे भी जो आप इमेजेस डालेंगे वो आपके यहाँ पे शो होंगी ऐसे। अब इस भाई ने वीडियो डाली हुई है तो इस वजह से इनकी वीडियो शो हो रही है। अगर यहाँ पे आप इमेजेस डालेंगे तो इस तरह आपके पास इमेजेस शो हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पे एक अट्रैक्टिव सी इमेज डालनी है ताकि क्लाइंट उससे अट्रैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली इमेज डाल देता हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे आप वीडियो भी डाल सकते हैं अगर आपने वीडियो डालनी है। और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ऑलमोस्ट आपका जो है गिग है वो बन चुका है। यहाँ से आपने उसको क्लिक करके पब्लिश कर देना। अब आपका गिग लाइव हो चुका है। अब ये आपको फर्स्ट पेज पे ले आएगा जहाँ से हमने अपना गिग बनाने का सफ़र स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कंग्रेचुलेशंस ऑन क्रिएटिंग योर न्यू गिग। अब ये मेरे पास गिग शो हो रहा है। बाकी ये सारे मेरे पास पुराने थे, ये मैंने जो अभी बनाया था ये वो है। आपका गिग इस तरह क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, वो आपका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है वो क्वेश्चन का जवाब दे सकें। आई होप आप लोगों को गिग बनाना आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमने प्रोजेक्ट कैसे पकड़ना है क्लाइंट से और उसको बायर रिक्वेस्ट कैसे भेजनी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।